प्रधाना अध्यापक की मनमानी से बच्चे और टीचर परेशान। हमीरपुर स्कूल खुलते ही सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के बीच गुटबाजी शुरू हो गई है। इसके चलते सैकड़ों बच्चों का भविष्य दांव पर लग गया है। ऐसा ही एक मामला हमीरपुर जिले का है, जहां दो महिला अनुदेशकों और प्रधानाचार्यों के बीच वर्चुअल की जंग छिड़ी हुई है। मामला कुरारा ब्लॉक के कुसमरा गांव में स्थित कन्यापुर माध्यमिक विद्यालय का है, जहां की प्रधानाचार्य परवीन बानो ने अपने ही स्कूल में तैनात अनुदेशक अंजना देवी और करिश्मा ओमर को स्कूल से हटाने के लिए साजिश रच डाली और उनके द्वारा किए गए सर्वे में 107 बच्चों के नामांकन में अपनी मनमानी चलते हुए 12 बच्चों के नाम काटकर उन्हें टीसी थमा दी, जिसके कारण अनुदेशकों नवीनीकरण अधर में लटक गया है। महिला प्रधानाचार्य ने अनुदेशकों को हटाने के लिए स्कूल में बच्चों की संख्या कम करने के लिए जबरन कई बच्चों का स्कूल से नाम काटकर उन्हें टीसी थमा दी, जिसके बाद अनुदेशकों की शिकायत पर बेसिक शिक्षा अधिकारी ने मौके में पहुंचकर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। बता दें कि सपा सरकार में सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए अनुदेशकों की नियुक्ति की गई थी। इन अनुदेशकों को उन स्कूलों में तैनात किया था जहां पर बच्चों की संख्या 100 या इससे अधिक हो, लेकिन अपनी मनमानी पर उतारू प्रधानाचार्य अब अनुदेशकों को हटाने के लिए स्कूल में बच्चों का नाम काट रहे हैं या उनका नाम नहीं लिख रहे हैं, जिससे कि बच्चों की संख्या 100 से कम हो जाए और अनुदेशक खुद में खुद स्कूल से हट जाए। जैसे हम लोग स्कूल के अंदर जब आते हैं हम लोग, तो हमारे प्राइमरी में है अध्यापक, वो शिक्षा मित्र हैं कृष्ण कुमार, तो उनका हमारे जब अंदर घुसते तो हमको धक्का मुक्की मतलब करना, धक्का दे के निकलना, घूर के देखना, छिपकली कहना, गोए कहना, और सब जगह कहते फिरना, और बार बार ये कमेंट करना कि यार इन लोग की जो आदत है गाँव का घूमने की, ये अपने बच्चे और अपना कर लेंगे, और ये सब ये हमारी मैडम के सभी सहम करते हैं लोग, और जो हमारे जितेंद्र सर अध्यापक हैं ये सब उनकी सहम सब ये कार्य कर रहे हैं। आप लोगों ने क्या शिकायत नहीं की किसी से? सर हम लोगों ने इसकी शिकायत अधिकारी क्या करी है, डीएम क्या करी है, एक ये से क्या करी है, एक बी एस सर क्या करी है, सर उसकी अब जाँच होने के लिए आनी है, आइए मतलब आए आज सर जाँच करने के लिए, और हमारी मैडम का ये कहना है कि हमने उनको हैंड पंप से घसीट के मारा, उनकी चाबी छीनी, तो आप ये सब आप सर आप ये सब बच्चों से पूछ सकते हैं कि अगर हमने उनको छुआ भी, उनको हाथ भी लगाया, हमारे तो आप क्या चाहते हैं? हम भी चाहते हैं कि इनको यहाँ से मतलब वो सस्पेंड किया जाए, उनके यहाँ हम उनके साथ हम लोग हमारा पूरा स्टाफ उनके साथ काम नहीं करना चाहता, परी मैडम के साथ वो मतलब उनसे सब लोग ना खुश हैं, हमारे स्टाफ में सब लोग, और यहाँ तक हमारे बच्चे भी और गांव वाले भी आए हैं आज आज मतलब आप सब उनका सब पूरा बयान लीजिए। सर ये पढ़ाई अच्छी चल रही है पर लेकिन बीच में बार बार लड़ाई होने लगती है। कैसे कौन लड़ता है? परवीन मैम और अंजना मैम बीच में झगड़ने लगती हैं और कहती हैं हमको मारती हैं। आप लोगों की पढ़ाई हो पाती है उनके बीच में? जी नहीं। तो आप लोगों ने किसी से शिकायत की? जी। किससे? बीएसए साहब से। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने वो आए थे उन्होंने भड़काया था फिर वो नहीं माने। तो आप लोग क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं कि हमारी पढ़ाई ठीक से हो और विद्यालय का विकास भी बने। यहाँ पे सब लोग अच्छे पढ़ाते हैं, परवीन मैम को ये पढ़ाती का मैं कुछ गालियाँ कुछ ज़्यादा दे रही हूँ क्योंकि जैसे कोई खाना खाने पहुँचा किसी को लटी जात, किसी को कमीने, किसी को कुछ ऐसे भक्ति रहती है, और ऊपर से ये कह रही थी कि करिश्मा मैम और जो अंजना मैम है इन लोगों को हटाना है, और गजेंद्र सर जी भी कह रहे थे, और सर जी हमको उस दिन ऑफर भी दिया था, कह रहे थे 150 रुपये देंगे अगर तुम ऐसे ऐसे। अच्छा, और कैसे क्या पूरा मामला मैडम, और आरोप भी लग रहा है बेटा, कैसा क्या है पूरा? नहीं जी, वो मैम कह रही थी कि उस बार आए थे एबीएस सर तो उनसे कहा गया था ये बात, तो वो कह रहे थे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। आज कोई आया? जी। कौन? सही, आज बीएस सर आए। उनसे शिकायत की? जी सर जी, उनसे हमने बोला भी है कि सही है ये वाली मैम तो हटना ही नहीं चाहिए, अंजना मैम और करिश्मा मैम जो कि निर्दोष है, परवीन मैम तो हटना ही चाहिए क्योंकि इनको एक बार समझा भी दिया गया तो पर भी ये वही कर रहे हैं। 40 बच्चे थे हमारे क्लास में, अब जाके 32 बच्चे हैं, 8 कहाँ गए ये किसी को नहीं पता, और सही ना परिजन खुश इस बात से नहीं बच्चे खुश तो पर भी नाम कटाए जा रहे हैं। विद्यालय कन्या क्लास में वहाँ के जो प्रधानाध्यापिका है वो अपनी मनमानी को उतारों को और परेशान करती है, बच्चों का आरोप है कि वो मैडम की वजह से पढ़ाई नहीं हो पाती है, बच्चों की संख्या ज़्यादा थी, दूसरे अध्यापक ने वहाँ की टीसी भी करवाई, इस पर आपका क्या कहना है?
आप जांच करने भी गए थे? कुसमुरा में क्योंकि हमारी हमने एक वहाँ पे टीम गठित कर दी थी, 3 सदस्यीय, वो टीम हमारी जांच कर रही है, जांच करने गई थी, लेकिन वहाँ से कुछ लोगों के द्वारा बताया गया कि जो बच्चे हैं उनसे पूछा जाए तो विद्यालय बंद चल रहा था ग्रीन पास में, अब विद्यालय ओपन हो गया है, वो टीम भी जांच कर रही है, हमने जो कमेटी गठित कर दी थी। मैं सामान्य भ्रमण पे निकला हुआ था क्योंकि कुसमरा का मेरे संज्ञान में था, मैं वहाँ जाकर के बच्चों में बात किया है, कई राउंड में मैं देखूंगा, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, पठन पाठन का माहौल किसी भी स्थिति में बिगड़ने नहीं दिया जाएगा, जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। हमीरपुर से रमाकांत विश्वकर्मा की रिपोर्ट।